और रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर के ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लग गई है। दूर दूर तक आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। पुलिस ने 3 किलोमीटर का इलाका खाली करा लिया। आसपास के मकान भी खाली कराने में पुलिस जुट गई है। आग पिछले 3 घंटे से लगी है और लगातार बढ़ रही है। अधिक जानकारी देने के लिए जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, कुछ समझ में आया है अभी तक, पता लगा है कि ये आग क्यों लगी और इसको वो कब तक काबू पाने की उम्मीद बताई जा रही है? आग किस कारण से लगी अभी इसका पता नहीं चला, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, क्योंकि ये बिजली विभाग का गोदाम था। तस्वीरें एक बार हम फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखा देते हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं ये। ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रही है और आसमान में जो है जो धुएं के गुबार हैं वो देखे जा सकते हैं। और ये जो धुएं के गुबार हैं शहर में करीब ये कहा जा रहा है 7 से 8 किलोमीटर दूर तक देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये आग को लगे हुए काफ़ी देर हो गए हैं और इस पर अभी काबू नहीं पाया गया है। प्रवीण से कहूँगा थोड़ा सा जूम वहाँ पे करें, क्योंकि वो देखिए ट्रांसफार्मर जो है अभी कुछ बचे हुए हैं जिसमें अभी अभी आग लगी है और ये कहा जा रहा है कि ये संख्या करीब 500 से ज़्यादा ये ट्रांसफार्मर हो सकते हैं। और इस पे जो है एक केमिकल होता है, एक ऑयल होता है, ऑयल होने की वजह से जो है लगातार जो है बीच बीच में यहाँ पर ट्रांसफार्मर के फटने की आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तपिश बढ़ रही है और तपिश बढ़ने की वजह से जो है यहाँ पर देखें कि लोग जो है लोगों को खाली करा लिया गया है। ये यहाँ पर रिहायशी इलाका था, ये राइट साइड में भी रिहायशी इलाका, तो यहाँ से तमाम जो लोगों को यहाँ से बोल दिया गया है कि वो थोड़ा दूर चले जाएँ, सुरक्षित स्थानों में पहुँच जाएँ, क्योंकि ये आग जो है ना काफ़ी भयावह है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें काफ़ी समय लग सकता है और इतनी बड़ी आग शायद राजधानी रायपुर में पहली बार इतनी बड़ी आग लगी है जिसको 8 किलोमीटर के दायरे से देखा जा सकता हो। और आसपास के जितने भी दमकल कर्मी हैं, जैसे कि धमतरी यहाँ से 70 किलोमीटर की दूर, वहाँ से भी वहाँ की मदद मांगी गई है। भिलाई नगर निगम से मदद मांगी गई है। उसके अलावा जो पावर प्लांट है आसपास में उनके, जिनके पास भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनसे मदद मांगी गई है। अब ये एक हाईटेक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है और ये शायद भिलाई से बुलाई थी तो अभी जस्ट यहाँ पे पहुँची है। नहीं, ये एयरपोर्ट की है, एयर इंडिया की है, क्योंकि ये हाईटेक किस और शायद सबसे ज़्यादा हाईटेक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, तो एयरपोर्ट से भी अथॉरिटी से भी मदद यहाँ पे पहुँच चुकी है और आसपास के जितने फायर स्टेशन हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पे जो भीड़ नज़र आ रही थी वो भीड़ जो है पूरी तरीके से यहाँ पे दूर कर दी है पुलिस विभाग ने, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ पे पास में नज़दीक में न जाएं, क्योंकि कोई किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी हो सकती है। आसमान में जो गुबार दिख रहे हैं और सामने का जो यहाँ पे 11,000 KV का जो है वायर लाइन थी, तो इतनी आग जली कि यहाँ पे जो एक खंभा है वो पिघलकर जो है नीचे टूटकर गिर गया। और तो इस तरीके से काफ़ी भयानक आग ये लगी है और पुलिस फिर एक बार कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, और क्योंकि रुक रुक कर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं है और जो फोम एक्सटिंग्विशर होता है उसकी कमी है जो आसपास से मंगाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रांसफार्मर वगैरह में आग लगती है जिसमें ऑयल होता है उसे बुझाने के लिए पानी से ज़्यादा अगर कारगर जो साबित होता है वो CO2 जो सॉलिड फॉर्म में होती है और फोम एक्सटिंग्विशर होता है उससे उसको बुझाया जाता है, तो वो आसपास की जगह से मंगाया जा रहा है। जी जी शुक्रिया आपका जुल्फिकार इस तमाम जानकारी के लिए।